हेलो फ्रेंड्स, रोजगार संडे के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो कि आपके पास आरडी मंत्रा जो कि मशीन है जिसका आपको इंस्टॉलेशन किस प्रकार करना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो कि आपके पास जो कि MFS जो कि 100 जो कि आरडी जो कि मंत्रा जो कि ये वाली जो कि मशीन है जो कि आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अपडेट के बाद जो ये मशीन है जो कि इंस्टॉल नहीं हो रही है, तो इसको इंस्टॉल करना किस प्रकार करना है इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे गवर्नमेंट से तो सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर मान लो आपने पहले इसे कभी इंस्टॉलेशन किया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको जो कि कंप्यूटर में यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको डालना है सर्विसेज आपको यहाँ पे डालना है। जो सर्विसेज वाला ये आपके सामने आ जाएगा, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपके सामने पूरे अल्फाबेटिक नाम से पूरी चीज़ें आ जाएगी जो कि आपको इसमें आपको मंत्रा वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे आपको एम से टाइप करेंगे तो आपके पास यह मंत्रा लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसको सर्विस को क्या करना है, आपको स्टॉप कर देना है। मतलब यहाँ पे मंत्रा के जितने भी होंगे आप सभी को स्टॉप कर देना है क्योंकि हम नए सिरे से पूरे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो पूरे यहाँ से कर देना है। तो ये पूरी मंत्रा यहाँ से स्टॉप हो जाएगी। अगर आपके पास दो तीन आइकन दिख रहे हो तो एम नाम मंत्रा के नाम से, तो आपको उनको भी हटा देना है। उसके बाद हमको इसको नीचे इसको हटा देना है। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस हमारा रहेगा जो कि रहेगा कंट्रोल पैनल। हमें कंट्रोल पैनल हमें ओपन करना है। कंट्रोल पैनल में हमें जाना है अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा यहाँ पे, जैसे प्रोग्राम्स यहाँ से इंस्टॉलेशन आप करना है। अगर आपके पास यहाँ पे कैटेगरी में नहीं आता तो आप यहाँ पे लार्ज आइकन कैटेगरी में भी जाकर आप इसमें से कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं दूसरा आ रहा है तो स्मॉल आइकन कैटेगरी में भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको इस वाले आइकन वाले पे आना है, यहाँ पे प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपको ये इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कि आपको एक प्रोग्राम इंस्टॉलेशन करना है। तो यहाँ पे आपको एक मंत्रा का आपका जो कि आपको मिलेगा, जैसे मंत्रा रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस प्रोडक्शन, तो इसको क्या करना है आपको, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ मंत्रा के ये सारे वर्जन आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो इन सभी को आपको क्या करना है, यहाँ से अनइंस्टॉल आपको सभी को कर देना है। तो थोड़ा टाइम लेगा, तो आप सभी को इनको एक एक करके आप सभी को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। ये थोड़ा टाइम, फिर यहाँ पे आपको यस का इंटरफेस दिखेगा तो आपको यस कर देना है। तो इस तरह से वो क्या रिमूव करना चाहते हैं तो आपको इस पर यस कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि आपका जो कि कंप्यूटर है आपके उसकी प्रोसेस पर डिपेंड करेगा कि आपको इसको रिस्टार्ट करना चाहते हैं, हम तो लेटर पर क्लिक कर देना है क्योंकि हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके बाद देखो और आपको मिलता है, तो इसको भी आपको सभी को ऐसे एक एक करके आप सभी को अनइंस्टॉल कर देंगे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये वर्जन आप सभी वर्जन को मतलब आपको अनइंस्टॉल करते जाना है। जैसे ये सारे रजिस्ट्रेशन आपके हट जाएंगे तो आपको क्या करना है, सभी को हटा देना है और आपने जो कोई भी ब्राउज़र है जिस ब्राउज़र का आप उपयोग लेते हैं उसमें आपको सर्च करना है आरडी सर्विसेज मंत्रा, आपको ये सर्च करना है। सर्च करने वाले यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आएगा ड्राइवर एंड डॉक्यूमेंट मंत्रा सॉफ्टवेयर, इसको आपको आपको यहाँ से ओपन करना है। उसके बाद ये आपके मंत्रा की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे आपको जाना है और आपको अपना एक कैप्चा आपको डालना है, जो कैप्चा आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा जिस समय आप भर रहे हैं। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो नया अपडेट यहाँ पर आया है डाउनलोड MFS 100 ड्राइवर, एक तो ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और दूसरा ये है जो कि है डाउनलोड MFS 100 आरडी सर्विसेज 1.03, ये दोनों को आपको इसमें डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो दोनों चीज़ें हैं जो कि आपकी डाउनलोड हो चुकी है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने माई कंप्यूटर में जाना है, दिस पीसी में जाना है, जहाँ डाउनलोड सेक्शन में आपको डाउनलोड में दोनों चीज़ें मिल जाएगी। आपको पहला वाला जो कि आपको जो कि 21.5 MB का है उसे आपको इंस्टॉल करना है, इस पर क्लिक करना है आपको और इंस्टॉल आपको कर लेना है। फिर इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ये थोड़ा समय लेगा इंस्टॉल होने में। जो कि आपके कंप्यूटर की जो कि है स्पीड पे आपको डिपेंड करता है कि इंस्टॉलेशन में इतना टाइम लगता है, वो इस आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आपके सामने जो कि इसे इंटरनेशनलाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको इनिशियलाइजेशन पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपकी जो कि मशीन है उसकी सीरीज आपके सामने यहाँ पे लिख के पूरी आ जाएगी कि सीरीज कौन सी है, मशीन पूरा यहाँ पे आ जाएगा। आपको स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करना है और अपनी मशीन को आपको इसमें कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने पर तो ये कैप्चर सक्सेसफुली हो जाएगा, डाटा सेव हो जाएगा, एप्लीकेशन पाथ का यहाँ पे ओके कर देना है। अगर नहीं होता है तो आपको इनिशियलाइजर पे क्लिक करना है, फिर स्टार्ट कैप्चर करना है, उसके बाद इसको एडिट करके आपको डाल देना है और जो चीज़ कंप्लीट हो इसको आपको फिनिश कर देना है। उसके बाद दूसरा है आपका उसको मंत्रा आईडी सर्विसेज को आपको इस पर क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट करना है, मतलब इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का इंटरफेस इस तरीके का आ जाएगा, ये जो पूरा अपडेट मतलब हो जाएगा इंस्टॉलेशन एक और जो कि आईडी साइलेंट है जो कि हो जाएगा। इसके बाद इसको फिनिश आपको कर देना है। फिनिश करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी डिवाइस को फिर से आपको निकालना है और फिर से आपको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, मंत्रा आईडी मैसेज सक्सेसफुली कवर्ड बाय इंटो सभी हो गई है, मतलब ये सब अटैच अच्छी तरह हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं क्या अच्छी तरह ये इंस्टॉल हुआ है नहीं, क्या ये काम कर रहा है नहीं इस मशीन का इंस्टॉलेशन। तो हम इसे क्या करेंगे, किसी ब्राउजर में इसे ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम मोजिला में ओपन कर रहे हैं, तो इसमें हमको इसमें गूगल खोल लेना है। गूगल खोल के हम जो जैसे ई मित्र खोलना चाहते हैं तो ई मित्र हमको क्लिक कर देना है। ई मित्र हमारी क्योंकि ई मित्र पर लॉगिन करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने आईडी और पासवर्ड मैंने डाल रखा है। उसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ, उसके बाद डालने के बाद इसे आप लॉगिन करेंगे। और लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये मित्र मैंने खोला, खोलने के बाद फिंगरप्रिंट में क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो मेरे पास क्या होता है, ये कैप्चा पूरा चेक हो जाता है। अगर फिर भी आपका नहीं हो रहा है, अगर सक्सेसफुल लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल अपने जो कि कंप्यूटर है उसको वापस रिस्टार्ट करके फिर से आपको केबल को निकाल के फिर से अटैच करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो कि डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। अगर फिर भी आपका नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई दूंगा कि किस तरह से आपको आरडी मंत्रा को इंस्टॉलेशन करना है और क्या क्या आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, उसका मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा और आपके समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।